My name is Chirag Vitlani and she is Preksha Sanghvi. And today on Mumbai Mirror, we are going to teach you 5 easy Garba steps for this year's Navratri. तो शुरुआत करते हुए हमारा जो सबसे पहला स्टेप है उसे हम कहेंगे दो ताल. तो इस दो ताल की शुरुआत में हमें एक वी फॉर्म करना है. तो शुरू करेंगे कि वी स्टार्ट विद फर्स्ट बीट. वी हैव टू गो इन फ्रंट, दूसरे पांव से ऊपर, पीछे दूसरे पांव से ऊपर. नाउ वी गो टू द अदर साइड, फ्रंट टो बैक टो. अब जब भी आप आगे जा रहे हो उसके साथ आपको ताली करनी है. तो कैसे करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इसके बाद आपको लेने होंगे एक सर्कल जिसको होगा दो बीट का. तो सर्कल करेंगे वो होगा 1, 2. और इसके बाद जो फाइनल स्टेप है इसका दो बीट का वो है डाउन टैप अप टैप. सो यू हैव टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड. आपको एक पाव आगे लेना है. इजी. तो हम पूरा स्टेप फिर से और पूरा करेंगे राइट ना. चलिए 1, 2, 3 स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो हमारा सेकेंड स्टेप है उसको हम गुजराती में हीच कहते हैं और उसका पॉपुलर गाना है गरबा में मारे की मारे हीच ले. ओके, सो द लेग मूवमेंट्स फॉर दैट स्टेप आर हील राइट हील लेफ्ट हील राइट हील लेफ्ट. सो 1, 2, 3, 4. अभी इसमें हैंड मूवमेंट्स है, दोनों हाथ ऊपर करके राइट साइड थ्रो लेफ्ट साइड थ्रो राइट साइड थ्रो एंड लेफ्ट साइड थ्रो. अभी जब हम हैंड और लेग मूवमेंट मिक्स करते हैं इट लुक्स लाइक 1, 2, 3, 4. अभी ये एक जगह पे स्टेप हुआ. सर्कल में आगे बढ़ने के लिए देर आर ऑलवेज ट्रांजिशन स्टेप्स. इसका ट्रांजिशन स्टेप है चलो 5, 6, 7 गो 1, 2, 3, 4. द हैंड मूवमेंट्स आर यू जस्ट थ्रो द क्लैप डाउनवर्ड्स 1, 2, 3, 4. और इसका लेग मूवमेंट है राइट पैर आगे क्रॉस करना है 2, 3 एंड 4. सो व्हेन वी मर्ज द स्टेप्स इट लुक्स लाइक चलो 1, 2, 3, 4 डाउन 1, 2, 3, 4. तो हमारा जो तीसरा स्टेप है उसके हम कहेंगे 4 कॉर्नर्स विद अ लिटिल बिट ऑफ वेरिएशन. तो शुरुआत करते हुए आपके 4 कॉर्नर्स होंगे 1, 2, 3 एंड 4. आपको हर कॉर्नर पे एल्बो से राइट साइड पे हिट करना है 1, 2, 3 एंड 4. विद योर एल्बो आपको थोड़ा सा हिप मूवमेंट भी करना होगा 1, 2, 3 एंड 4. पर अब वेरिएशन ये है कि आपका जो फोर्थ हिट है उसकी जगह पे आपको एक लेग का मूवमेंट करना है जो होगा 1, 2, 3 एंड 4, 5. वापस देखेंगे 4, 5. और इसके बाद आपका जो ट्रांजिशन होगा वो होगा आपको इस तरफ फेस करना है क्लैप करना है और पीछे एक स्टेप ड्रैग करना है 1, 2, 3 स्टार्ट 1, 2, 3 एंड 4. इजी. तो पूरा स्टेप एक और बार साथ में करेंगे. सो 3, 2, 1 स्टार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So our next step is gonna be a little complex steps with 12 beats. We'll learn the legs first. It goes like cross and jump, jump, cross and jump, jump. And the hand goes 1, clap, clap, 1, clap, clap. So when we mix both of this, it will look like 1, clap, clap, 1, clap, clap. Now the transition step for this is you go back from your right. Double right, double left. Okay, once again we'll do it. You go right, say twice. Right, right, left, left. And the hand goes right, right, left, left. So when we mix this both the steps, it looks like 1, 2, clap, clap, 1, 2, clap, clap, back, back. हमारा जो next step है, वो 10 beat का है.
तो सबसे पहला जो बीट है हमारा, वहां पर हम लेफ्ट साइड पर क्लैप करेंगे वन, ओके। और इसका जो सेकेंड बीट है वहां पर हम करेंगे वन एंड से बाय, तो हम वापिस करेंगे वन टू थ्री एंड फोर। तो इसी तरीके से हमने चार बीट ऑलरेडी यूज किए। अब जो हमारे नेक्स्ट चार बीट है उसमें हमें आगे करना है, हाथ का आपका मूवमेंट होगा वन, यू हैव टू शो योर हैंड वन डायगनली, और आपके लेग मूवमेंट में आपको आगे जाकर टर्न होना होगा। वैसे हम तीन बार करेंगे, सो स्टार्टिंग विद वन टू थ्री एंड फोर। तो आपने देखा जो हमारा फोर्थ बीट था वो हमने कुछ अलग किया, तो आपने जो वन टू थ्री किए, फोर्थ बीट आपको पीछे नीचे जाना होगा फोर्थ, और आप वापस ऊपर आ गए। और इसका जो ट्रांजिशन होगा वो होगा दो फास्ट सर्कल्स नाइन एंड टेन। तो शुरू करेंगे वन टू थ्री स्टार्ट नाइन एंड टेन। तो पूरा स्टेप हम एक और बार साथ में करेंगे, सो वन टू थ्री स्टार्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन।